हेलो, माय नेम इज कौशिकी सोनी एंड मैं ऑल इंडिया काउंसिल ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस के लिए एज एन वुमेन एम्पावरमेंट काम करती हूँ। नेशनल काउंसिल न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए एज एन एडिटर मैं बोर्ड ऑफ एडवाइजरी भी काम करती हूँ। मैं काफी एनजीओस को इंटरनेशनली और नेशनली भी प्रेजेंट करती हूँ। आज मैं माननीय एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जहाँ मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर करूंगी, दो टॉपिक्स को कवर करूंगी और बहुत ब्रीफ और बहुत छोटा मैंने इसको रखा है आपके, ताकि आपकी समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे मैं इसके ऊपर और टॉपिक्स बनाऊंगी और टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैंने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है, होप यू ऑल लाइक इट। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेलफेयर एंड जीडीपी की। दो टॉपिक जो मैं कवर कर रही हूँ, उनमें से एक वेलफेयर एंड जीडीपी है, सेकेंड है मेथड्स कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम को। तो पहला है वेलफेयर एंड जीडीपी। तो आपको जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्शन जो आपके हो रही है कंट्री में, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे आपकी जो इनकम जनरेट हो रही है, उस बेसिस पे हम कंट्री को जीडीपी को कैलकुलेट करना, उसको कहते हैं जीडीपी। अब उसके बाद आता है सेकेंड, मीनिंग ऑफ वेलफेयर क्या है। जब हम मीनिंग ऑफ वेलफेयर की बात करते हैं, तो नीचे आपको जो बाटा सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन एंड सोशल कॉस्ट दिख रहा है, बाटस वेलफेयर का मतलब ये होता है। तो क्या जीडीपी और वेलफेयर दोनों साथ में चलते हैं? एक कंट्री को डेवलप कंट्री तभी माना जाता है जब जीडीपी और वेलफेयर दोनों साथ में हो रहे हो। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कंट्री कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रही हो, जैसे कि सपोज करिए डिफेंस गुड बना रही है, तो डिफेंस गुड्स से जीडीपी तो जरूर बढ़ेगा, पर कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो पर देखा जाए तो कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलफेयर तब होगा जब कोई ऐसा कंज्यूमर गुड बढ़ेगा, बनाया जाएगा। तो क्या ऐसा डिफेंस गुड बनाने में जीडीपी और वेलफेयर दोनों नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या वो जीडीपी नहीं मानी जाएगी? ऐसा नहीं है। वेलफेयर एक अलग टर्म है, अलग डेफिनेशन है। जैसे कि आप सपोज करिए वेलफेयर को जीडीपी में लिया नहीं जाता है, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। सपोज करिए जैसे बाटर सिस्टम है, बाटर सिस्टम पहले होता था जहाँ पे इनकम नहीं होती थी और लोग कुछ देकर कुछ ले लेते थे। सपोज करिए किसी के पास एप्पल्स हैं और किसी को दूध चाहिए, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। आज भी ऐसा होता है कई जगहों पर। तो उनको हम लोग जीडीपी अपनी नेशनल इनकम में उनको कैलकुलेट नहीं करते, उनको हम लोग अपने वेलफेयर में रखते हैं और वो जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती है। सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहाँ जैसे सपोज करिए कोई रिच है और कोई पुअर है, तो अगर कोई प्रोडक्ट है जिससे कि रिच और रिच हो रहा है और जीडीपी बढ़ रही है और पुअर को नहीं फायदा हो रहा है, तो क्या जीडीपी तब उसको नहीं कैलकुलेट होगी? तो ऐसा भी नहीं है, तभी वो उसमें ली जाएगी। और वेलफेयर को इसलिए अलग माना जाता है। फिर आता है, बात आती है कि मैम ये कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन का मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया, एक डिफेंस गुड है और एक कंज्यूमर गुड है, तो डिफेंस गुड से जीडीपी जरूर बढ़ेगी पर कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है, पर फिर भी उसको हम लोग अपनी नेशनल इनकम में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वेलफेयर के चक्कर में उसको नहीं लेते हैं। फिर लास्ट आता है आपका सोशल कॉस्ट। सपोज करिए सोशल कॉस्ट में आ गया आपका कोई इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या उस पोल्यूशन की जो सोशल कॉस्ट जा रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसको हम जीडीपी में लेते हैं? नहीं, उसको भी नहीं लेते हैं, उसको भी हम इग्नोर करते हैं। दूसरा है, क्या कोई पार्क बनाती है गवर्नमेंट, उससे हमारे को पॉजिटिव सोशल कॉस्ट में आता है, तो क्या उससे उसको हम जीडीपी में लेते हैं? नहीं, उसको भी नहीं लेते हैं। तो इसका कोई होने ना होने से हमारी जीडीपी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वेलफेयर कॉस्ट का, वेलफेयर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका हमारे जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीडीपी इज नॉट कैलकुलेटेड एज पर वेलफेयर। वेलफेयर एक अलग चीज है। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है ओके मेथड्स। मेथड्स में हम लोग तीन मेथड्स होते हैं, आपको पता होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड की। तो लेट्स बिगिन। ओके, हम बात कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी हाउस होल्ड इनकम, फिर बताऊंगी आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को हम लोग पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे उसको पर्सनल
पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर आप लोग ये देखिए, पहले तो एक एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है जो भी खर्चा हम जो इनकम है उसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, पैसा गया और पैसा आया। अभी हम बात कर रहे हैं पैसा गया, आपके लिए खर्चा है, तो आप खर्चे के परस्पेक्टिव से देखेंगे। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ, सपोज करिए आप जो खर्चा करते हैं, आप एक घर घर में रहने वाले एक हाउस होल्ड पर्सन है, आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको, उस एक्सपेंडिचर को भी हम जीडीपी में लेते हैं एज एन एक्सपेंडिचर में अगर देखा जाए, तो उसको कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में, इसको लिया जाता है। फिर दूसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। मैम ये क्या होता है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, सपोज करिए गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो गई, गवर्नमेंट के कोई हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो हो गई, वो सब इसमें आ जाती हैं, वो सब भी हम इनकम में कैलकुलेट करते हैं, जी कैलकुलेट करते हैं एज एन एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो फिर आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ये थोड़ा सा बाइफर्केट उसको हम आगे करेंगे। इन्वेस्टमेंट मेथड में ये जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। फिक्स टर्म में हम बात करेंगे तो आएगा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल एक्सपेंडिचर्स इन्वेस्टमेंट आपको समझ आ गया होगा जो रेजिडेंशियल के लिए होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे कि ब्रिज हो गई, डैम हो गए, ये बड़े बड़े लॉन्ग टर्म फिक्स टर्म के हैं, बहुत लंबे समय के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट अपना खर्चा कर रही है, तो ये वो हो जाते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गया मशीनरी, जैसे कि अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये बड़ी बड़ी मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री के लिए, इसको हम अपनी जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनको लेते हैं। फिर आता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और अब जो हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे वो जीडीएफसीएफ को कैलकुलेट करेंगे एट एमपी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे इन चारों का टोटल। मैम ये तीन पड़े थे, चार फोर्थ वाला क्या है, ये फोर्थ जो एनएक्स आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, आपने पढ़ा होगा, जो भी हमारी कंट्री से जा रहा है और जो हमारी कंट्री में आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस, उसको कहते हैं एनएक्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इन चारों को जब हम टोटल कर देते हैं, किन किन का टोटल, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का टोटल, कॉमन एक्सपेंडिचर का टोटल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का टोटल और एनएक्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का टोटल, तो हमारे को मिल जाता है जीडीपी एट एमपी। इसका कन्वर्जन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन देता है कि कन्वर्जन कैसे करें मैम, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको कन्वर्जन का एक बहुत इजी मेथड बताने वाली हूँ। इस अगर चार्ट को आप एज इट इज एज उतार लेंगे तो आपको बहुत ही इजी पड़ जाएगा समझने में। जीडीपी एमपी से हमारे को एनडीपीएफसी पे जा रहा है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं इस समय तो आपको दिखेगा, आपको जीडीपी एमपी से जाना है एनडीपीएफसी पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अगर नीचे चार्ट को देखेंगे तो जीडीपी एमपी और एनडीपीएफसी मैंने नीचे लिखे हैं। अब देखिए आपको जी से एन पे जाना है, आपको जी से एन पे जाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको जी से एन पे जाना है, कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, मतलब कि आप जीडीपी पे खड़े हुए हैं और आपको एनडीपी पे जाना है, एफसी पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे पहले तो डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप जी पे हैं और आपको एन पे जाना है, फिर आपको जीडीपी एफपी से एनडीपी एफसी पे जाना है और आपका डी और डी सेम है देखिए दोनों जगह पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस नथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग नाउ। देन आपको जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे जाना है, तो आप फिर से पी और पी सेम है देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सेम क्रॉस कुछ भी नहीं करना। फिर आपको एमपी से एफसी पे जाना है, आपको जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी जो आपका है उस पे आपको जाना है, तो आप अब जस्ट अ सेकंड, हाँ तो अभी आप जो है उसको माइनस करेंगे एनआईटी, एनआईटी। अब एनआईटी क्या होता है मैम, हमारे नेट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में अगर हम सब्सिडीज जो हमारे को रियायत मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उनको माइनस कर देंगे तो आपके इनकम टैक्स होता है वो एनआईटी, उसको माइनस करेंगे तो आप अपना एनडीपीएफसी पे पहुंच जाएंगे। बच्चों को कन्वर्जन में बहुत मुश्किल होता है, अगर आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो आपके सारे फॉर्मूले रट जाएंगे। ओके अब
ऐसे ही अगर आपको जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे? अब देखिए, आप जीडीपी एमपी पे खड़े हैं और आपको एनएनपी एफसी पे जाना है, आप जीडीपी एमपी पे खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है? एनएनपी एफसी पे जाना है। तो आप जी से एन पे जाने के लिए, देखिए जी से एन पे जाना है आपको, तो माइनस डेप्रिसिएशन हमेशा करते हैं, हमने देखा था, पीछे भी देखा था। और अब आपको क्या करना है? आपको डी से एन पे जाना है। पिछली बार हमने देखा था जब हम लोग एनडीपी पे जा रहे थे, पीछे हमने लास्ट देखा था जिसमें हम लोग डी से डी था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे क्रॉस था। पर अभी डी से एन पे जाना है हमारे को, एनएनपी पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, एनएनपी होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी इसके लिए। और तो आपको यहाँ पे क्या करना है? प्लस एन एफ आई ए, प्लस एन एफ आई ए। देखिए अब आप ये मैम प्लस एन एफ आई ए क्यों किया है? क्योंकि हमारे को अब एन पे जाना है, हमारे को नेट पे जाना है। फिर आता है पी से पी पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर आपको एमपी से एफसी पे जाना है, तो क्या करेंगे? माइनस एन आई टी, वही करेंगे सेम जो पीछे किया था हमने, एन आई टी को माइनस कर देंगे। और मैम ये एन एफ आई ए क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्लस इनकम फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, जो कि हम सेविंग्स भी कहते हैं, इन दोनों को अगर आप टोटल कर देंगे तो आपको आपका एन एफ आई ए मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब देखिए आपको मिल रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय रेंट इनकम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की। हम सेकंड मेथड पे आ गए हैं, इनकम मेथड पे, जिसको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं। इनकम मेथड को हम लोग फैक्टर इनकम भी कहते हैं। और अगर हम बात करें कि ये इनकम मेथड क्या होता है, तो देखिए कॉम्पेंसेशन जो एक एम्प्लॉय को मिल रही है, रेंट इनकम जो एक एम्प्लॉय को मिल रही है, सॉरी रेंट इनकम जो है वो, रॉयल्टी जो है वो, इंटरेस्ट कैश या काइंड, इन चीजों में से कोई भी चीज, या प्रॉफिट या मिक्स्ड इनकम, ये अगर आपको दिया हुआ है तो ये सब चीजें इनकम मेथड में आप जो अपना नेशनल इनकम निकाल रहे हो उसमें कैलकुलेट करने में ये सब चीजें आएंगी। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स, आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा ये, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। ओके, उसके बाद आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है मैम? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आपको क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में, जिसमें हम तीन तरीके से, तीन पॉइंट, तीन नंबर का आ जाता है जिसमें तीन पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज अ सैलरी, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज अ वेजेस, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये आप तीनों अगर लिख देंगे तो आपको तीन नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत है एज इन क्या हो सकता है। ओके, उसके बाद हम जीवीए एट एमपी, थर्ड फॉर्मूला आ गया है ये, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। जीवीए एमपी पे क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट्स क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है? उसको हम डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ इनपुट क्या होता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट्स, जितना सामान आपकी कंट्री में आया है वो, उस प्लस डोमेस्टिक कंजम्पशन, जितना आपने कंज्यूम किया है वो, उन दोनों का अगर टोटल कर देंगे तो आपको वैल्यू ऑफ इनपुट्स मिल जाएगा। फिर आ जाता है आपका जो डोमेस्टिक, कई चीजें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं, मैं कुछ नॉर्मल सी बता रही हूँ जो रेगुलर है, बाकी आपको आपके टीचर्स या आपको जब आप करेंगे क्वेश्चंस, तो आप जब टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और सामने आपके आएगा। तो उसमें से पहला है सेकंड हैंड गुड्स को हम लोग अपनी डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेते, ये जो है मेन है जो हमेशा याद रखने का है। सेकेंड हैंड गुड अगर आपके हैं तो हम उसको डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेंगे। फिर है ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए आपके गिफ्ट्स हो गए, या आपको कोई कोई गिफ्ट दे रहा है, या आपको कोई रॉयल्टी दे रहा है, या आपको कोई आपका बड़ा आपको ऐसी एक चीज प्रेजेंट करके जा रहा है, तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स भी आपके नहीं जाती है। फिर इंटरमीडिएट गुड्स भी आपके नहीं जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, जैसे कि एग्जांपल लीजिए कोई ऐसी चीज है, आटा है, आटा आपके लिए जो है वो आटा है, तो वो फाइनल गुड हो गया। पर अगर आटा आप केक के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो एक जो केक मेकर है, एक बेकर है, उसके लिए वो क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ, तो वो उसको अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर इसका बड़ा ध्यान रखना, आपको इंटरमीडिएट गुड पे आपको बहुत ध्यान रखना। फिर आता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन पेपर, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो पेपर में हो रहे हैं उनको हम नहीं लेते हैं। जैसे कोई आपने बाउंड्स या शेयर्स कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग अपनी इनकम, नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने में नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑन पेपर्स है, कोई भी उसका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने तीनों मेथड्स को बहुत इजीली पढ़ लिया था, जो बच्चों को लगता है कि हुआ होता है कि कैसे करेंगे, उनके लिए बहुत इजी मेथड है तो पढ़ने का। मैं आगे भी अपने वीडियो शेयर करूंगी। आई होप यू हैव लव द वीडियो एंड द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।